हेलो स्टूडेंट्स, हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर वन इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स वो कंप्लीट, जिसमें हमने देखा चार्जेस, फोर्स बिटवीन चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस लॉ, ये सब हमने उसमें स्टडी किया। अब अपने पास चैप्टर टू विच इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से स्टार्ट करेंगे, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस, फिर चलते चलते फाइनली एक ऐसी डिवाइस पे जाएंगे जो चार्ज को स्टोर करती है, विच इज कॉल्ड कैपेसिटर। तो ये क्या है, ये सब इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। सो दिस इज चैप्टर टू ऑफ यूनिट वन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें पहले हम चलेंगे, फर्स्ट टॉपिक आपका चलेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो फर्स्ट टॉपिक डालिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नोट्स बनाते रहिए। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चार्जेस से रिलेटेड कुछ पोटेंशियल रहेगा, लेकिन पहले पोटेंशियल उसको कॉमनली समझते हैं क्या होता है पोटेंशियल, और जो हम कॉमन लैंग्वेज यूज करते हैं उसमें पोटेंशियल को हम कैसे समझते हैं। एक स्टोरी से इसको समझते हैं। सपोज दो बच्चे हैं, एक का नेम है ए और एक का नेम है बी। ये दो बच्चे, एक का नेम ए है और एक का नेम बी है। अब इन दोनों का एम बहुत बड़ा है, एम तो बड़ा है, लेकिन ए क्या कर रहा है? जो ए है वो अपने एम को अचीव करने के लिए 8 to 9 hours स्टडी करता है, बहुत मेहनत कर रहा है। वहीं जो बी है, एम तो बड़ा है उसका भी, लेकिन उसके लिए मेहनत क्या कर रहा है? सो रहा है या मोबाइल पे लगा हुआ है। तो दोनों का एम बड़ा है, लेकिन ये ज्यादा स्टडी कर रहा है, ये सो रहा है, ज्यादा लेजी है। अब कुछ सालों बाद हम ये देखते हैं कि जो ए है वो एक आईएएस ऑफिसर बन जाता है, और जो बी है वो अभी भी सर्च कर रहा है मैं क्या बनूं, अभी भी जॉब की सर्च कर रहा है मैं क्या करूं, परेशान है। तो हम ये कहेंगे, कॉमनली हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं ए का पोटेंशियल ज्यादा है एज कंपेयर टू बी। फिर से हम क्या कहते हैं, ए का पोटेंशियल ज्यादा है एज कंपेयर टू बी। ए का पोटेंशियल ज्यादा क्यों है, अब पीछे चलते हैं, क्यों इसका पोटेंशियल ज्यादा है? मैंने क्या बताया, इसने हार्ड वर्क किया और इसने वर्क कम किया, तो अभी ये कनेक्ट होने वाला है हार्ड वर्क और पोटेंशियल। ये तो कॉमन बात थी कि पोटेंशियल क्या होता है, ये आप समझ गए होंगे कॉमनली जो हम कॉमन लैंग्वेज में यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब पोटेंशियल को और थोड़ा एक और स्टोरी से समझते हैं, थोड़ा और इसमें चलते हैं। देखिए पहली बात तो पहली स्टोरी से हमको ये समझ आता है कि पोटेंशियल और वर्क का कुछ रिलेशन होने वाला है। चार्जेस के साथ भी यही होता है, पोटेंशियल और वर्क का रिलेशन रहेगा। वो क्या रिलेशन रहेगा, जब हम चार्जेस की दुनिया में जाएंगे वो फिर समझ आ जाएगा, अभी हम ये सोसाइटी की बात कर रहे हैं। एक और स्टोरी लेते हैं, एक लड़का है वो अपनी फैमिली के लिए कमाना चाहता है, अपनी फैमिली को दो दिन दो रोटी देना चाहता है ताकि वो खा सकें, अच्छा अपना फैमिली का इकोनॉमिक कंडीशन करना चाहता है। अभी इकोनॉमिक कंडीशन इसकी ख़राब है, इसकी फैमिली की, तो ये देखता है कि मुझे इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी करनी है, तो इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी करने के लिए मेरे पास क्या टैलेंट है। इसने देखा, सोचा, तो इसको पता चला इसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, ये गा सकता है, ये एक अच्छा सिंगर बन सकता है, ध्यान देना, ये एक अच्छा सिंगर बन सकता है, इसको ये पता चला इसकी आवाज़ अच्छी है। तो इसने कहा ठीक है, मैं गाना गाऊँगा और जो ऑडियंस आएगी उससे कुछ रुपए लूंगा और अपनी फैमिली की इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी करूंगा, उन्हें खिलाऊंगा, उन्हें जो चाहिए वो दूंगा, ठीक है। तो ये इसने सोचा ये एक अच्छा सिंगर बन सकता है। अब इसको क्या चाहिए, पैसे कैसे कमाएगा, ये कमाएगा जब ऑडियंस आएगी, ऑडियंस से कुछ रुपए लेगा, ठीक है। अब देखिए कहां पे पैसे कमाने का जो पोटेंशियल है, कहां पे इसके जो अचीवमेंट है वो बढ़ेगी, क्या उस जगह पे जहाँ पे ज़्यादा भीड़ होगी या उस जगह पे जहाँ पे कोई भी नहीं आएगा इसका गाना सुनने? ऑब्वियस सी बात है, इसका पोटेंशियल वहाँ पे ज़्यादा होगा, ध्यान से सुनना इसको, ये क्या बोल रहा हूँ मैं, पोटेंशियल वहाँ ज़्यादा होगा, पोटेंशियल ऐसे समझिए जो ये पैसे कमाएगा, उसका पोटेंशियल वहाँ ज़्यादा होगा जहाँ पे भीड़ ज़्यादा होगी, ज़्यादा लोग आएंगे, ठीक है। तो ये गया और एक कॉलेज से इसने कॉन्टैक्ट किया और ये कॉलेज में गाना गाने चले गया। तो इतने बच्चे हैं वहाँ कॉलेज में, स्कूल में, वहाँ गाना गाने गया और जितनी ऑडियंस आई, जितने बच्चों ने सुना, उतने 5 rupees दिया और इसने अच्छे पैसे कमा लिए। तो यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा है कॉलेज में, लेकिन वही ये गाना गाने के लिए अगर जंगलों में चले जाए, एक बहुत दूर ये जंगल में चले गया, वहाँ गाने लगा कि मेरे पे पैसे आएंगे, तो क्या इस पे पैसे आएंगे? नहीं, वहाँ तो कोई आएगा ही नहीं। तो पोटेंशियल कहाँ ज़्यादा है, कॉलेज में, जंगल में कितना पोटेंशियल हो गया या दूर कहीं पोटेंशियल कितना हो गया, 0। तो ओवरऑल फिर से समझिए, जो पोटेंशियल है, जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल क्या है, कितनी इसका फेम होता है, कितने इस पे पैसे आते हैं, जो पोटेंशियल है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, लोकेशन पे। लोकेशन चेंज कर दो,
कॉलेज में गा रहे, एक बार जंगलों में कहीं दूर गा रहे जहां कोई नहीं आ रहा है, तो लोकेशन चेंज करने से पोटेंशियल भी चेंज हो रहा है। तो हमें एक बात समझ में आए, अभी इसको चार्जेस के साथ कनेक्ट करेंगे, हमें एक बात समझ में आती है कि पोटेंशियल, पोटेंशियल दिस इज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर पोटेंशियल, पोटेंशियल इज अ प्रॉपर्टी ऑफ, पोटेंशियल इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लोकेशन, पोटेंशियल लोकेशन पे डिपेंड करता है। अभी देखिए चार्जेस की दुनिया में चलते हैं हम, ये स्टोरीज ध्यान में रखिए, अब चार्जेस को दुनिया में चलते हैं, फ्री और काम करेंगे। देखिए हम देखने वाले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, तो पोटेंशियल पहली बात, पोटेंशियल किसकी प्रॉपर्टी है, लोकेशन की, लोकेशन चेंज होगी तो पोटेंशियल भी चेंज होगा। अब देखिए अब चार्जेस की दुनिया में हम आ गए, आप कनेक्ट करना स्टार्ट करिए। ओके, तो सपोज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ये डायरेक्शन में है किसी रीजन में, इसका मीनिंग है इधर पॉजिटिव लेयर है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अंदर हमें एक चार्ज, टेस्ट चार्ज, मैंने बताया था आपको टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज कैसा चार्ज, एक स्मॉल चार्ज जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल होता है, इसको हमें मूव करना है, इस टेस्ट चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फ्रॉम ए टू बी, यहाँ से यहाँ लेके आना है। तो हम कितना वर्क करेंगे इसको ए टू बी मूव करने में। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है, क्या ये टेस्ट चार्ज की वजह से है, नहीं, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो स्मॉल है, ये कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमें टेस्ट चार्ज को ए टू बी मूव करना है। तो हम कितना वर्क करेंगे, पहले ये देखिए वर्क क्यों करेंगे, इधर पॉजिटिव लेयर है, टेस्ट चार्ज भी है प्लस, तो पॉजिटिव लेयर इस टेस्ट चार्ज पे किधर फोर्स लगाएगी, ये डायरेक्शन में फोर्स इस पे ये डायरेक्शन में लगेगा, हमें इसको इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट मूव करना है, ए टू बी मूव करना है, इलेक्ट्रिक फोर्स इस पे ये डायरेक्शन में, हमें इसको मूव करना है इधर अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स। तो हम वर्क करेंगे, तो वर्क डन कितना करेंगे, कितना हम वर्क करेंगे, वर्क डन इन मूविंग क्यू फ्रॉम ए टू बी, कितना हम वर्क करेंगे उसको हम लिखेंगे डब्ल्यू ए बी, पहले वर्क डन समझेंगे। अब देखिए इसको कुछ ऐसा समझिए, मुझे इस मार्कर को यहां से इस पॉइंट पे मूव करना है, तो मैं कुछ वर्क करूंगा, वर्क क्यों करूंगा, क्योंकि इस मार्कर पे एक फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड, विच इज ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका वेट, ठीक है, मैं ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट अपना फोर्स लगा के इसको अपवर्ड मूव कर रहा हूं यहां पे, तो मुझे इसको यहां से यहां मूव करना है, तो मैं कुछ वर्क कर रहा हूं, वो वर्क कहां गया, तो इसको कुछ ऐसे समझिए, जब ये यहां पे है, सपोज इसकी पोटेंशियल एनर्जी है 10 जूल, मैंने इस पे 50 जूल वर्क किया और यहां लेके आ गया, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहां पे कितनी होगी, 10 यहां पे थी, 10 जूल 50 जूल वर्क करके यहां ला गया, तो पोटेंशियल एनर्जी यहां पे कितनी हो गई, 60 जूल। तो हम ये कहेंगे जो वर्क डन किया जा रहा है इस मार्कर पे वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, आपने क्लास 11th में पढ़ा है। ऐसे ही चार्जेस के साथ भी होता है, मैं चार्ज को मूव कर रहा हूं अगेंस्ट ग्रेविटेशनल, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स इस पे पॉजिटिव लेयर इधर है, ये प्लस है, फोर्स इधर लग रहा है, मैं इसको अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स मूव कर रहा हूं ए टू बी, तो मैं कितना वर्क करूंगा, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, वो कहां जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी में, और उस पोटेंशियल एनर्जी को कौन सी पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सो वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट फाइनल पॉइंट विच इज बी यू बी, यू मीन्स पोटेंशियल एनर्जी माइनस यू ए, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वट इज यू बी माइनस यू ए, दिस इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इसको ऐसा समझिए। सपोज ए पॉइंट पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी 5 जूल, 5 जूल ए पे, मैंने 50 जूल वर्क करके, 50 जूल वर्क करके इसको बी पे लेके आया, तो बी पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 50 प्लस 5 55, बी पे हो जाएगी 55, इसको इधर लेके आएंगे, डब्ल्यू ए बी प्लस यू ए इक्वल टू यू बी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल प्लस वर्क डन, ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना। अगर मैंने इसको इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट मूव किया तो जो वर्क किया वो वर्क किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, यहाँ पे होगी जो ए पे थी प्लस वर्क डन। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्क डन ये भी कह सकते हैं, जो वर्क किया गया ए टू बी मूव करने में, दिस इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये वर्क किया किसने, वर्क कौन करता है, फोर्स वर्क करता है, फोर्स, और कौन से फोर्स ने ये वर्क किया, जो हमने लगाया, एक्सटर्नल फोर्स इसको बोलेंगे, दिस डब्ल्यू ए बी, ये भी ध्यान में रखना है, कुछ छोटी छोटी बातें हैं, दिस डब्ल्यू ए बी इज वर्क डन बाई
एक्सटर्नल फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं, उस फोर्स ने ये वर्क किया। ठीक है, एक बार फिर से, जो वर्क किया गया वो किस में कन्वर्ट हो गया, पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, और कुछ बातें यहां पे ध्यान में रखिए, ये जो चार्ज को हम मूव कर रहे हैं, इस चार्ज को कुछ इस तरीके से मूव करना है कि इसकी वेलोसिटी अगर पहले 5 मीटर पर सेकंड थी तो यहां भी 5, यहां भी 5, यहां भी 5, यहां भी 5, ओवरऑल वेलोसिटी चेंज नहीं करनी है जब आप इस क्यू चार्ज को मूव कर रहे हैं फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, वेलोसिटी चेंज करने से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी और कुछ वर्क डन काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन हमें वर्क डन किस में कन्वर्ट करना है, पोटेंशियल एनर्जी में। तो फिर से वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, बट मूवमेंट कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट वेलोसिटी का, या ये कह सकते हैं विदाउट एक्सेलरेशन। जब एक्सेलरेट करोगे वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी तो कुछ वर्क डन काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। हमें ऐसा नहीं करना, हमें वर्क डन को पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। और ये वर्क कौन कर रहा है, हम जो कर रहे हैं, एक्सटर्नल एजेंट मींस एक्सटर्नल फोर्स, जो हमने फोर्स अप्लाई किया। ठीक, अगर मैं इसको इस पाथ से ना लेके ये पाथ से लेके आऊं ऐसे, या ऐसे वाले पाथ से लेके आऊं, या इस पाथ से लेके आऊं, तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा। पहले मैंने वर्क किया इसको यहां से यहां तक लेके आने में सपोज 50 जूल, इस पाथ से 50 जूल, तो इस पाथ से कितना करना पड़ेगा, या इससे, या इससे। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है, इलेक्ट्रिक फोर्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कुछ, इलेक्ट्रिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, वो भी कंजर्वेटिव फोर्स है। तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स वो होते हैं, ये कंजर्वेटिव फोर्स है, सो दैट वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। कंजर्वेटिव फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, और कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होते हैं जहां पे वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो अगर आप इस पाथ से चार्ज को मूव करने में 50 जूल वर्क किया, तो इस पाथ से 50 जूल, ये वाले पाथ से 50 जूल, ये वाले पाथ से 50 जूल। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स है, आपने इस मार्कर को यहां से यहां लेके जाना है, इस पाथ से कितना वर्क करेंगे सपोज 50 जूल, तो इस पाथ से कितना करेंगे 50, इस पाथ से कितना करेंगे 50, इस पाथ से कितना करेंगे 50। तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स है, वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। ठीक है, तो फिर से इसका समरी देख लेते हैं। जो आपने वर्क किया चार्ज को मूव करने में इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट, वो वर्क किस में कन्वर्ट हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी, यूबी माइनस यूए, पोटेंशियल एनर्जी। ये वर्क डन कौन कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स, और ये वर्क डन पाथ के इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब चलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखते हैं, और जो कहानी मैंने स्टार्टिंग में बताई उसको लिंक करने का ट्राई करते हैं। ओके, सो वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट करेंगे यू से, यू, यू बी माइनस यू ए इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब अगर हम इस वर्क डन को चार्ज से डिवाइड कर दें, वर्क डन तो सिंपल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज जिसको मूव कर रहे हैं, जिस चार्ज को मूव कर रहे हैं, तो ये क्वांटिटी बनती है पोटेंशियल डिफरेंस, वी बी माइनस वी ए। सिंपल, वर्क डन इज पोटेंशियल एनर्जी, ध्यान देना, कंफ्यूज नहीं, सिंपल है, वर्क डन इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन वर्क डन को अगर डिवाइड कर दो उस चार्ज से जिसको मूव कर रहे हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो ये क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। सो वी बी माइनस वी ए, यही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, वी बी माइनस वी ए इज पोटेंशियल डिफरेंस किन पॉइंट्स के बिटवीन, बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस वी बी माइनस वी ए। वर्क डन फ्रॉम इन मूविंग चार्ज फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक ले गए, तो ये किसके इक्वल होता है, फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस जहां पे ले गए उस पॉइंट का पोटेंशियल माइनस जहां से लाए उस पॉइंट का पोटेंशियल, वी बी माइनस वी ए। वर्क डन सिंपल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन अपॉन चार्ज इज पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए, अगर ये चार्ज वन यूनिट हो, क्यू वन यूनिट हो जाए, ये पोटेंशियल हमें बनाना पड़ा एक क्वांटिटी, देखिए अभी समझ में आ जाएगा कैसे, और ये भी समझ में आ जाएगा पोटेंशियल कैसे प्रॉपर्टी है लोकेशन की। अगर ये चार्ज मैं वन यूनिट कर दूं, क्यू इक्वल टू वन, तो पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल आ जाएगा, वर्क के। फिर से
अगर मैं चार्ज को वन यूनिट कर दूं तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन। अब इसको समझना, ध्यान से देखना अच्छे से। सपोज ए पॉइंट पे पोटेंशियल है 2 यूनिट और बी पॉइंट पे पोटेंशियल है 10 यूनिट। ये चार्ज है 1 यूनिट, चार्ज कितना है 1 यूनिट। 1 यूनिट मींस 1 माइक्रो कूलम, 1 मिनी कूलम, कुछ भी समझ लीजिए, चार्ज 1 है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा टू पॉइंट्स के बिटवीन वो वर्क डन के इक्वल होगा। कैसे? ए पे पोटेंशियल 2 यूनिट, बी पे पोटेंशियल 10 यूनिट। तो दोनों पॉइंट के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? अगर चार्ज को ए टू बी लेके आना है, पोटेंशियल डिफरेंस 10 माइनस 2 8 यूनिट। चार्ज कितना लेके आना है? चार्ज है 1 यूनिट, 1 यूनिट चार्ज है। अब देखिए, ए पे लिखा है पोटेंशियल 2 यूनिट, बी पे लिखा है पोटेंशियल 10 यूनिट। मुझे एक 1 यूनिट वाले चार्ज को ए टू बी लेके जाना है तो कितना वर्क करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा जो पोटेंशियल डिफरेंस है 8 यूनिट, 8 यूनिट इस पे वर्क करना पड़ेगा। फिर से देखिए, ए पे पोटेंशियल 2, बी पे 10 और एक पॉइंट है सी, यहां पे पोटेंशियल है 50 यूनिट पोटेंशियल। मुझे 1 यूनिट वाले चार्ज को ए टू सी मूव करना है, ए टू सी, तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा ए टू सी तक मूव करने में? 1 यूनिट वाले चार्ज को वर्क करना पड़ेगा, ये 1 हो गया, ये 1 है, तो वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों पॉइंट के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस 48, तो 48 जूल। अगर ये सब एसआई यूनिट में है तो 48 जूल, 48 यूनिट। फिर से एक पॉइंट है डी, मुझे चार्ज को लेके आना है ए टू डी और डी का पोटेंशियल है 100 यूनिट। तो मुझे 1 यूनिट वाले चार्ज को ए टू डी लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? 98 यूनिट, सिंपल। तो ये जो पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल जो आपको दिख रहा है 2 यूनिट, 10 यूनिट, 50 यूनिट, 100 यूनिट, ये पोटेंशियल एक लोकेशन का पोटेंशियल है, एक लोकेशन का पोटेंशियल है। इसका मतलब ये जो मैं कह रहा हूँ, पोटेंशियल इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लोकेशन, इसको ध्यान देना। क्या है इसका मीनिंग? पोटेंशियल इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लोकेशन। किसी लोकेशन को चेंज कर दो, लोकेशन को चेंज कर दो, पोजिशन चेंज कर दो, तो पोटेंशियल भी चेंज होगा। पोटेंशियल का चार्ज का है, चार्ज की प्रॉपर्टी है नहीं, यही बात ध्यान में रखनी है। पोटेंशियल चार्ज की प्रॉपर्टी नहीं है, पोटेंशियल एक लोकेशन की प्रॉपर्टी है। जैसे माइलस्टोन लगे होते हैं जगह जगह कि देहरादून इतना किलोमीटर, श्रीनगर ये किलोमीटर, तो वैसे ही पोटेंशियल भी एक माइलस्टोन की तरह है। यहाँ पे 2, यहाँ पे 50, यहाँ पे 10, यहाँ पे 100, जो बता रहा है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है बनेगा टू पॉइंट्स के बिटवीन, 1 यूनिट चार्ज को लाने में वो वर्क डन वही पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। फिर से एक बार फिर कंफ्यूज नहीं होना, पोटेंशियल किसकी प्रॉपर्टी है? लोकेशन की, चार्ज की नहीं। तो पोटेंशियल सेट है, यहाँ पे 50, यहाँ पे लिखा है 10, यहाँ पे 100, यहाँ पे 2। अगर आप 1 यूनिट चार्ज को, अब देखिए 1 यूनिट चार्ज को बी टू सी मूव करते हैं, बी टू सी, तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा? 50 माइनस 10 40 जूल, 40 यूनिट, इतना वर्क आपको करना पड़ेगा। तो पोटेंशियल लोकेशन की प्रॉपर्टी है, लोकेशन चेंज करो पोटेंशियल चेंज होगा। लेकिन ए टू बी कर मूव करने में जो वर्क करेंगे वो वर्क कहां जाएगा? वो चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसकी प्रॉपर्टी है? लोकेशन की या चार्ज की? पोटेंशियल एनर्जी चार्ज की प्रॉपर्टी है, वो चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी बनेगी। फिर से देखिए, ए टू बी मूव करने में क्यू चार्ज को जो हमने वर्क किया वो वर्क कहां जाएगा? इट विल बी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस चार्ज। तो पोटेंशियल एनर्जी किसकी बन रही है, किसकी प्रॉपर्टी है? चार्ज की। लेकिन पोटेंशियल किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है वो किसकी प्रॉपर्टी है? लोकेशन की, चार्ज की नहीं। तो हम यहां पे लिख सकते हैं, एक पॉइंट लिखिए, पोटेंशियल एनर्जी, इसको मैं उस स्टोरी से समझाता हूं अभी जो मैंने स्टार्टिंग में बताया। पोटेंशियल एनर्जी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, ये चार्ज की प्रॉपर्टी है। पोटेंशियल एनर्जी चार्ज पे बनता है, लेकिन पोटेंशियल वो लोकेशन की प्रॉपर्टी है। फिर से उस कहानी पे वापस चलते हैं। एक जो सिंगर बनना चाहता था उसने अपनी लोकेशन चेंज की। एक बार कॉलेज में आया तो ज़्यादा उसको ऑडियंस मिली, ज़्यादा पैसे उस पर आए ऑडियंस के, लेकिन फिर वो जंगलों में गया तो वहाँ तो कुछ पैसे उसको मिलेंगे ही नहीं। तो लोकेशन चेंज करने से पोटेंशियल चेंज हो गया। कॉलेज में हम कहेंगे ज़्यादा पोटेंशियल है, ये आपका कॉलेज हो गया डी,
और हम कहेंगे जंगलों में पोटेंशियल कम है, एक ऐसी जगह जहां कोई आ ही नहीं रहा वहां पोटेंशियल कम है। तो पोटेंशियल किसकी प्रॉपर्टी? लोकेशन की। लेकिन उसको जो वहां से एनर्जी मिल रही है उस पर्टिकुलर लोकेशन से, उस पर्टिकुलर लोकेशन से जो उसको मनी मिल रहा है, मनी कलेक्शन हो रहा है, या उसके जो अचीवमेंट्स मिल रही हैं, या जो उसको एनर्जी मिल रही है, वो किसको मिल रही है? उस सिंगर को। सिंगल मत, सिंगर मींस चार्ज, चार्ज को सिंगर से रिलेट करिए। मूव करने में जो एनर्जी मिल रही है वो एनर्जी किसको मिल रही है, यही समझना है। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। टू पॉइंट्स के बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर टू पॉइंट्स के बिटवीन चार्ज को मूव करने में जो एनर्जी मिल रही है वो एनर्जी किसको मिल रही है? चार्ज को। लेकिन पोजिशन चेंज करने से क्या चेंज हो रहा है उस पॉइंट का? पोटेंशियल। तो पोटेंशियल लोकेशन की प्रॉपर्टी और पोटेंशियल एनर्जी चार्ज की प्रॉपर्टी है, इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब ये तो क्लियर हो गया आपने को। फिर से देखिए, वर्क डन टू पॉइंट्स के बिटवीन मूव करने में इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। उस वर्क डन को चार्ज से डिवाइड कर दो तो वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। वर्क डन अपॉन चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, ठीक है। अब ये तो पोटेंशियल डिफरेंस आया, हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना था, हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल को वर्क डन से रिलेट करना है। यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस रिलेट हुआ है वर्क डन से, VB माइनस VA रिलेशन बना है वर्क डन के साथ। हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल वर्क डन के साथ रिलेट करना है, पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल। तो हमने उसके लिए क्या किया वो देखते हैं, ओके। तो हमें ऐसा पॉइंट चूज करना है जहां पे एक पोटेंशियल जीरो हो जाए। अब हम देखेंगे पोटेंशियल जीरो कहां पे हो रहा है, कहां पे पोटेंशियल जीरो होता है। तो पोटेंशियल जीरो वहां होगा जहां वर्क डन जीरो होगा, पोटेंशियल जीरो उधर होगा जिधर वर्क जीरो होगा, वर्क बाई एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग अ चार्ज, जहां पे चार्ज को मूव करने में जीरो वर्क करना पड़ेगा। अब चार्ज को मूव करने में जीरो वर्क कहां पे करना पड़ेगा? वर्क डन इज एफ डॉट एस, हमें इस क्वांटिटी को जीरो करना है। क्यों जीरो करना है फिर से देखिए, कंफ्यूज नहीं होना। हमें चाहिए एक पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल, तो एक क्वांटिटी एक पोटेंशियल को जीरो करना पड़ेगा। पोटेंशियल कहां जीरो होगा हमने सर्च करना स्टार्ट किया, जहां वर्क डन जीरो होगा, मतलब जहां एफ डॉट एस जीरो होगा, इसका मीनिंग जहां चार्ज को मूव करने में जीरो फोर्स लगाना पड़ेगा। फोर्स क्या होता है? क्यू ई। चार्ज को मूव करने में कहां जीरो फोर्स लगाना पड़ेगा? जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो किसी चार्ज की वजह से, हमें फाइनल पे चलना है, देखिए किसी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जीरो होता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जीरो होगा? जहां जब आर ये वाली क्वांटिटी इनफाइनाइट हो जाएगी, मतलब एक चार्ज से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, एक चार्ज से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इनफाइनाइट मीन्स बहुत दूर, एक चार्ज से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो वर्क डन भी जीरो होगा दूसरे चार्ज को मूव करने में। टेस्ट चार्ज को मूव करने में जीरो वर्क डन कब होगा? जब फोर्स ही नहीं होगा। फोर्स कब नहीं होगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां नहीं होगी? दूसरे चार्ज की वजह से इनफाइनाइट पे। तो इनफाइनाइट पे सिंपल आपको यह ध्यान में रखना है, इतने अंदर तक नहीं चलना है कि इन्फिनिटी पे, यहां पे लिख लेता हूं मैं, एट इन्फिनिटी एट इनफाइनाइट पोटेंशियल इज जीरो। इनफाइनाइट पे पोटेंशियल कितना होता है? जीरो। तो अब ध्यान देना, अच्छे से देखना, हम एक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम इसके अंदर एक चार्ज को लेके आए, पहले मैं मूव कर रहा था ए टू बी, नहीं अब मैं टेस्ट चार्ज को लेके आ रहा हूं फ्रॉम इनफाइनाइट, बहुत दूर से इनफाइनाइट टू पॉइंट पी, इनफाइनाइट से पी तक। तो मैं कितना वर्क डन करूंगा? वर्क डन इन मूविंग चार्ज, टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू पी अपॉन चार्ज। अगर सिंपल डब्ल्यू इनफाइनाइट टू पी लिखता तो वो पोटेंशियल एनर्जी बनती, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो ये पोटेंशियल बनेगा। वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू पी इज इक्वल टू पोटेंशियल एट फाइनल पॉइंट, फाइनली कहां पे आया? पी पे, माइनस पोटेंशियल एट इनिशियल, इनिशियली कहां पे था वो? इनफाइनाइट पे। अब इनफाइनाइट पे पोटेंशियल कितना होता है? अभी बताया इनफाइनाइट पे पोटेंशियल होता है जीरो। तो किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल जो होगा वो आ गया, पोटेंशियल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल। ये तो पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकला, हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट पे चाहिए था, तो हमें एक को जीरो करना था, हमने सर्च किया जीरो कहां होगा? जहां वर्क डन जीरो होगा,
वर्क डन कहाँ जीरो होगा, जहाँ फोर्स जीरो होगा। फोर्स कहाँ जीरो लग रहा होगा डिस्चार्ज को मूव करने में, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जीरो होती है, चार्ज की वजह से, इन्फाइनाइट पे। तो पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज जीरो। तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना आ गया, वर्क डन इन मूविंग चार्ज क्यू फ्रॉम इन्फाइनाइट टू दैट पॉइंट, इन्फिनिटी से पी पॉइंट पे लाने पे जो वर्क करना पड़ा वो इस पॉइंट पे पोटेंशियल हो गया। मुझे लगता है ये समझ आ गया होगा। इसकी डेफिनेशन बना लेते हैं आप पोटेंशियल की, क्या डेफिनेशन बनेगी देखते हैं। वर्क डन क्यू चार्ज को इनफाइनाइट से पी पॉइंट तक लाने में, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। अब इस पोटेंशियल की डेफिनेशन बनानी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या इसको कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, दोनों एक ही बात है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इनफाइनाइट से पी तक लाने में जो वर्क किया वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है पी पॉइंट पे, ठीक है। हमें इसकी डेफिनेशन बनानी है, ये पोटेंशियल वर्क डन के इक्वल कब होगा, जब क्यू वन यूनिट हो जाए। क्यू वन हो जाए तो जो वर्क डन किया गया है वो पोटेंशियल के इक्वल। तो यहां से डेफिनेशन निकल सकती है, कैसे डेफिनेशन क्या बनेगी देखो। वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए गिवन पॉइंट, इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक, टू ए गिवन पॉइंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। लेकिन ध्यान में ये रखना है कैसे लेके आए उसको, उसको लेके आए विदाउट एक्सेलरेशन। मैंने स्टार्टिंग में बताया एक्सेलरेशन नहीं देना, वेलोसिटी चेंज नहीं करनी इनिशियल और फाइनल, नहीं तो कुछ वर्क डन काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन बनी आपकी, या सकती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे किसके इक्वल, जो वर्क किया गया एक यूनिट चार्ज को लाने में इन्फिनिटी से वहां तक, वो उस पॉइंट पे हो जाता है आपका पोटेंशियल, ठीक है। तो ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कुछ बेसिक, इसको अच्छे से क्लियर करिए, इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज नहीं होना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे। फिर से समरी देख लेते हैं। समरी ये है कि जो वर्क डन किया गया है ए टू बी वो किसके इक्वल होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यू बी माइनस यू ए। आप एक चार्ज को लेके आए ए से बी तक, तो जो वर्क किया गया वो किसके इक्वल हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगी। जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आता है, वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो जाएगी। और पोटेंशियल एनर्जी किससे डिनोट करते हैं, यू से। अगर इस वर्क को आप चार्ज से डिवाइड कर दें जिसको मूव कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए। ध्यान ये देना, यहाँ पे आएगा फाइनल, पहले फाइनल माइनस इनिशियल, वर्क डन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, ए टू बी इज इक्वल टू बी माइनस ए, ऐसा करना है, ठीक है। अगर आप वर्क डन कर रहे हैं चार्ज को मूव करने में इनफाइनाइट से पी तक, इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं उसको पी तक, तो वी पी माइनस वी इन्फिनिटी, और इनफाइनाइट पे पोटेंशियल कितना होता है, जीरो। उसके लिए मैंने कहानी अभी आपको बताई आगे, ठीक है, ओके। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब इस पोटेंशियल का एसआई यूनिट बना लेते हैं और देख लेते हैं कैसी क्वांटिटी है। तो पहले बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट की, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एसआई यूनिट क्या होगी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन का यूनिट एसआई यूनिट जूल, चार्ज का कूलम्ब, तो एसआई यूनिट क्या हो गई, जूल पर कूलम्ब, या इसको हम कहते हैं वोल्ट, और वोल्ट को डिनोट करेंगे वी से। तो जनरली इसको वोल्ट ही लिखते हैं, वन वोल्ट इज वन जूल पर कूलम्ब। तो पोटेंशियल कैसा होगा, 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट ऐसा आपके पास पोटेंशियल लिखा होगा, ठीक है। बात करते हैं इसकी क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी है, इसके लिए वेक्टर। तो पोटेंशियल की डायरेक्शन नहीं होगी, बस ये लिखा होगा 1 2 3 4 5 वोल्ट 6 वोल्ट ऐसा लिखा होगा, डायरेक्शन नहीं होती है। तो ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन नहीं होती है, ये है स्केलर क्वांटिटी, ध्यान में रखिए, पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी। अब बात करते हैं इसके डायमेंशंस की, डायमेंशंस क्या होंगे, तो डायमेंशन यहाँ से निकाल लेते हैं। वर्क डन के डायमेंशन वो होंगे जो एनर्जी के होते हैं, ML2 T माइनस टू अपॉन चार्ज के। चार्ज के डायमेंशन मैंने आपको बताए थे कहाँ से निकालते हैं, करंट से, करंट इज चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, ठीक है। हमें निकालने चार्ज के डायमेंशन, तो चार्ज इज इक्वल टू I इंटू T, करंट का एम्पियर, टाइम का T, AT। तो चार्ज के हो गए आपके AT, इसको ऊपर लेके जाइए क्या बनेगा,
ये हो जाएगा m, तो m रहेगा l2 वैसा ही रहेगा, ये t माइनस वन माइनस टू ऑलरेडी था, माइनस थ्री एम एल टू टी माइनस थ्री, ए भी ऊपर निकल गया तो a माइनस वन, तो ये इसके डायमेंशंस बने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के, एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन। तो फिर से पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी, SI यूनिट वोल्ट, इट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, डायमेंशंस एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन। सो दैट इज इनफ फॉर टुडे, बाकी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, इजी है, थोड़ा कंसेप्ट को समझना है। सो दैट इज इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।